गिरावट होने की वजह से, धुंध की वजह से वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चार दिनों से मध्य प्रदेश घने कोहरे के आगोश में है। धुंध ने पूरे जिले को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना की बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम है, तो वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में भी धुंध ने अपना पहरा डाल रखा है। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर तक पहुंच गई है। ग्वालियर में पिछले दो तीन दिन से घना कोहरा छाया हुआ है और इस समय लोगों को आवागमन में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में हूँ, जहाँ सड़कों की मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये देखिए, वाहन तो निकल रहे हैं लेकिन अपनी लाइट जलाकर चल रहे हैं। कोहरा जिस तरह से छाया हुआ है, ये वाकई में जोखिम भरा सफर होता है, क्योंकि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर घटनाएं कोहरे की वजह से हो रही हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग में कोहरे से विजिबिलिटी शून्य है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि धुंध इतना है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जिससे वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है। वो तो सर पूरी रात से बहुत जबरदस्त कोहरा है, अभी थोड़ा बहुत हल्का हुआ है लेकिन इतना हल्का नहीं हुआ कि रोड क्लियर दिख सके। खतरा क्या, वो कहीं भी टकरा सकती है, कोई लोडिंग वाहन खड़ा हुआ है रोड पर तो उसमें भी टकरा जाए, उसका भी डर है। साइड में डिवाइडर भी है, कहीं भी जा सकती है गाड़ी। गाड़ी की स्पीड क्या, अभी गाड़ी की या 30 और 35-40 के बीच है, इससे ऊपर नहीं। मौसम केंद्र का कहना है कि प्रदेश में 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदला हुआ रहेगा। सर्द हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। वहीं बढ़ते कोहरे को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्वालियर, चंबल अंचल में कोहरे की दस्तक से ठंड पड़ गई है। शीतलहर से पारा माइनस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन भरी ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। एक तस्वीर में आसमान की आपको दिखा दूं, जहां ना तो हमें सूर्य देव नजर आ रहे हैं और ना ही आसमान साफ दिख रहा है। दिख रहा है तो चारों तरफ केवल घना कोहरा दिख रहा है। एक तरफ मैं दूसरी जो सड़क है सिटी सेंटर से जो हाईवे की तरफ जाने वाली, वो भी मैं आपको दिखा दूं। इस रोड का नजारा आप देख सकते हैं, जहां तक हमारी नजर जा रही है केवल वाहनों की थोड़ी सी हमें लाइट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इतने घने कोहरे में लोगों का सड़क पर निकलना वाकई में जोखिम भरा है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।